हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो फाइनली बोला मूवी को जो लोग हेट कर रहे थे और बोला मूवी ने थर्ड डे पर उन हेटर्स के मुंह बंद कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब इस मूवी का फर्स्ट दो दिनों का जो कलेक्शन आया था वो कम आया था तो बड़े बड़े जो हेटर्स थे, बड़े बड़े यूट्यूबर ये कह रहे थे कि बोला मूवी अब बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने वाली है, इस मूवी का जो थर्ड डे का कलेक्शन आएगा वो उससे भी कम आएगा। लेकिन इस मूवी का जो थर्ड डे का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है उसको देखने के बाद जो बड़े बड़े यूट्यूबर इस मूवी को हेट कर रहे थे वो भी अब इस मूवी की जो तारीफें हैं वो करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इस मूवी का थर्ड डे का कितना वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोला मूवी ने फर्स्ट डे पर 11.20 करोड़ यानी कि 11 करोड़ 20 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इंडिया से, और वहीं सेकेंड डे पर 11.40 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 40 लाख का, और थर्ड डे पर मूवी का जो कलेक्शन आया है उसने फाड़ कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, 12.10 करोड़ का इस मूवी का थर्ड डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया, और टोटल 3 दिनों में इस मूवी ने इंडिया से 30 करोड़ 70 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और जो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन होता है 3 दिनों का लगभग 36.6 करोड़ यानी कि 36 करोड़ 60 लाख का इस मूवी ने 3 दिनों में इंडियन ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और ओवरसीज का इस मूवी का जो थर्ड डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है वो 7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन आया, और इस मूवी का टोटल 3 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 43.60 करोड़ यानी कि 43 करोड़ 60 लाख का इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। लगभग 44 लाख इस मूवी ने 3 दिनों में कमा लिए हैं वर्ल्ड वाइड, और वहीं आज भी ये मूवी यानी कि संडे पर ये मूवी धमाल कर रही है, और आज भी इस मूवी का जो कलेक्शन है वो लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा ही आने वाला है। तो दोस्तों, आपने भोला मूवी देखी और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो को देख सकें।